Hello and welcome to ECD classes. My name is Tawkirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Assalamu alaikum and a very warm welcome to this video series on computer awareness. Now, video start karne se pehle main kuch important cheeze batana chahunga. First is ki ye video kin ke liye hai. This video series is for all the aspirants, chahe aap beginner ho ya already aapne computer awareness ka section padha ho. Ye aapke liye hai. Aap JKSSP ke finance accounts assistant PLW ya fir central government ke RRP ya dusre exams ke liye prepare kar rahe ho. Aapke liye ye playlist hai. For those jo beginners hain, I have started from the very basics से लेकर आपको डेप्थ तक पढ़ाऊंगा. एंड सेकेंड थिंग इज फॉर दोज जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ा है, दिस वुड बी अ वैल्यू एडिशन फॉर यू बिकॉज ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत सारी नई चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको, इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेंगी. नाउ इस वीडियो सीरीज के लिए मैं आपको कोई PDF या लेक्चर नोट्स नहीं दूंगा. दिस वीडियो सीरीज इज होली एंड सोली बेस्ड ऑन जो आपको ऑलरेडी कंप्यूटर अवेयरनेस बाई तौकीरुल इस्लाम की नाम की एक PDF है, एक बुक की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी बेसिस पे है. तो आप नोट्स बना भी सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू मेक योर ओन नोट्स, आप डायरेक्टली उस PDF को रेफर कर सकते हैं बिकॉज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशनड हियर वो ऑलरेडी उस बुक में इंक्लूडेड है. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो. इन ब्रीफ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर. व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्यूटर? पहले हम देखेंगे कि लिटरल मीनिंग कंप्यूटर का क्या है. कंप्यूटर की लिटरल मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है. एज यू माइट बी नोइंग, किसी ने शायद मे बी यू नो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर वर्ड एक लेटिन लैंग्वेज के वर्ड से निकला है, जिसका जो वर्ड है कंप्यूटर है. कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना. ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंप्यूट और कैलकुलेट करना एक ही होता है. मतलब कि कंप्यूट करने का मतलब कैलकुलेट करना ही होता है. तो हम कंप्यूटर को मान सकते हैं कि यह कंप्यूटिंग मशीन है. मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटेशन करेगी, जो कैलकुलेशन करेगी. जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है जब पहले बनाया गया था तो इंटेंशन ये नहीं था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो आज की डेट में जिसमें आप वीडियोज देख पाओगे, गेम्स खेल पाओगे. उस टाइम पे इंटेंशन बस इतना था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कंप्यूटेशन कर पाए, जो कैलकुलेशन कर पाए. तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर, एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश की गई थी. इस वजह से इसका नाम कंप्यूटर रखा गया था. हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि ये यू नो समटाइम्स JKSSB माइट आस्क कि कंप्यूटर, पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे बट उतने अब नहीं पूछे जाते. तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से निकला है, दैट्स कंप्यूटर. नाउ हम डेफिनेशन पर आते हैं. अगर जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं, उसको साइड में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हेयर द टर्म कंप्यूटर? तो डेफिनेटली आपके दिमाग में लैपटॉप आएगा या यू नो PC आएगा, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप जिसमें कहते हैं, शायद ये दो आएंगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, तो आप सोचोगे कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो यू नो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसमें हम डिफरेंट काम कर सकते हैं. वी कैन यूज इट टू प्ले वीडियोस, हम उसमें वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं. या कोई कहेगा कि यू नो इसको हम किसी बिजनेस में बिलिंग पर्पजेस के लिए, बिल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. कोई बोलेगा कि मैं म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता हूँ. तो अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसके यूज के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी तो न्यूमरस एप्लीकेशन है, इसकी हजारों एप्लीकेशन है. तो वो सही तरीका नहीं रहेगा कंप्यूटर को डिफाइन करने का. रादर हम कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे कि किस बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है. चाहे आप वीडियो देख रहे हो इस पे, चाहे आप इस पे कोई अपना असाइनमेंट बना रहे हो जो आपके कॉलेज में दिया हुआ है, चाहे आप इस पर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हो, चाहे आप इस पर कोई भी काम कर रहे हो, इसको आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, चाहे इसको कोई बंदा ऑफिस में अपने किसी ऑफिस वर्क के लिए यूज कर रहा है, तो ये सारे काम जो है बेसिकली एक कॉमन प्रिंसिपल है, एक कॉमन बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे सारे काम करते हैं. तो वो कॉमन प्रिंसिपल क्या है जिसपे एक कंप्यूटर काम करता है?
वो हम इसकी डेफिनेशन में समझेंगे। तो व्हेन वी डिफाइन कंप्यूटर, आप बहुत जगह पे देखोगे दैट कंप्यूटर इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। यहां पे ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर कीवर्ड्स, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। मैं इसको तो आप पढ़ लोगे, याद भी कर लोगे, याद भी रहेगी, मे बी कल को अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा यू माइट बी एबल टू आंसर। बट आपको समझना है कि ये क्या है, व्हाट डज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीन, व्हाट डज प्रोग्राम्ड मीन, व्हाट डज दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस मीन, इसको हमें समझना। तो यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है कि ये बताता है कि कंप्यूटर एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल मींस। डिजिटल का मतलब होता है, आपने शायद सुना होगा, डिजिटल एंड एनालॉग। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो सबको ये पता है कि कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी में होता है, चाहे हम इसमें कोई वीडियो स्टोर करें, कोई इसमें ऑडियो, कोई और टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सब 1010 होता है, जो बाइनरी जिसे हम कहते हैं। मतलब अंदर से सारा जो है वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में सेव होता है। तो ये कंप्यूटर के काम करने का प्रिंसिपल है कि इसमें सारा अंदर से डिजिटल होता है। डिजिटल मींस, डिजिटल सिग्नल जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा सिग्नल जिसमें दो ही नहीं, जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे दो ही वैल्यूज होते हैं, ईदर वन और जीरो, हाई सिग्नल और लो सिग्नल, ठीक है। अब कुछ होते हैं जिनमें एनालॉग होता है, जिसमें कॉन्टिन्यूस, लाइक जो हमारी आवाज है, ये एक एनालॉग सिग्नल है। जब ये सेव रहेगी कंप्यूटर में तो वहां पे इसका 1010 बनेगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन, इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर हर कोई चीज डिजिटल में सेव रहेगी, वो प्रोसेस भी डिजिटल में ही होगी। मतलब वो अंदर से बाइनरी में रहेगी, वो अंदर से बाइनरी में ही प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है कि डिजिटल, इसका मतलब है कि ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन बाइनरी, इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि डिजिटल का मतलब क्या है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक हम कहते हैं एक ऐसी मशीन को जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी, तो कंप्यूटर को हम मान सकते हैं दैट इट इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है दैट इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी है, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स की बनी हो। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आप पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। हम कहते हैं फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमारा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन हम फैन को इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहते क्योंकि उसमें अंदर से कोई सेमीकंडक्टर की बनी हुई चीजें नहीं है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर में भी आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव रेड इन यू नो इन योर क्लास 10 और क्लास 9 साइंस, दैट हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं और हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। आप नेचर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कंडक्ट करेंगे, या थोड़ा बहुत कंडक्ट करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं कंडक्ट करेंगे। तो कुछ है, लाइक वी हैव सिलिकॉन, सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, एक एलिमेंट पाया जाता है नेचर में। वी हैव जर्मेनियम, ये आपने सुने होंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। तो इसी सिलिकॉन से बनाया जाता है जो आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो चिप्स होती हैं, चिप्स मतलब जिसके अंदर सीपीयू होता है, आप या बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो उन्हीं सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके पीछे ये रीजन है कि कंप्यूटर बना होता है सेमीकंडक्टर्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो वाली मशीन्स हुई जो बनी होंगी किनकी, सेमीकंडक्टर्स की। और एग्जैक्टली कौन सा सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर का, जो सीपीयू होता है उसको बनाने में, कंप्यूटर के अंदर की चिप्स को बनाने के लिए, दैट इज सिलिकॉन। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है, सिलिकॉन SI उसका सिंबल होता है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो सिलिकॉन में भी आपने वहां पे देखा होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम हम पढ़ते थे जब 11th में हुआ करते थे। तो सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इस सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक द दीज चिप्स दैट आर इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक आपको समझ आए कि ये क्यों। तो सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकली अंदर से किनका बना होता है।
अब सिर्फ उसमें सेमीकंडक्टर्स ही नहीं होते, कंप्यूटर में तो बाकी पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो कोर है, जो सीपीयू है, जो मेन चिप्स अंदर होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। बाकी उसके अंदर प्लास्टिक के भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ दूसरे मेटल्स के भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, वो बना होता है सिलिकॉन का, वो बना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप ये समझ आया कि कंप्यूटर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक क्यों है। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है दैट इट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंसेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ना ऐसे सुनने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डज प्रोग्राम्ड मीन। मैं आपसे अगर पूछूं, फॉर एग्जांपल जो आपका फैन है घर पे लगा हुआ, तो वो भी तो एक तरह की मशीन है। आप इनपुट देते हो, इनपुट क्या देते हो, स्विच को आपने ऑन किया, फैन घूमना स्टार्ट हो गया, तो आपने कुछ इनपुट दिया, वहां से कुछ आउटपुट आया, वो भी एक तरह की मशीन है। इसी तरह से बहुत सारी मशीन है, लेकिन जो बाकी मशीन और कंप्यूटर में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल। इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे कि कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल, बाकी प्रोग्रामेबल नहीं होती है। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल का मतलब है कि इसको आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। यू कैन मेक इट वर्क द वे यू वॉन्ट इट। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो यहाँ पे कि फैन है आपके साथ, फैन उसको जब बनाया गया था तो उसको बनाया इस तरह से गया था कि जो फैन है उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। आप उसको अपने हिसाब से मेंड नहीं कर सकते, कल को आप चाहोगे कि मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में, वो आप नहीं कर सकते, मतलब आपको खोलना पड़ेगा एंड ऑल दैट, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे कि वो प्रोग्रामेबल है। लेकिन कंप्यूटर में आप देखते हो कि आपके पास स्क्रीन है, वो जो मॉनिटर होता है, आपके पास माउस होता है कि नहीं होता है। नाउ आपने फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे आप मेरे कर्सर को आई होप देख पा रहे होंगे, तो जिस कंप्यूटर तो आपने डेफिनेटली यूज किया होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैंने माउस से दो बार क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये डॉट पड़ गया, या अगर मैं फिर से दो बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डॉट पड़ गया। तो ये माउस है, माउस से मैंने दो बार क्लिक किया तो यहाँ स्क्रीन पे ये दो डॉट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं कोई एक फाइल के ऊपर इसको लेके जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल का आइकन है यहाँ पे। आई होप आपको पता है कि फाइल का आइकन क्या होता है। डेस्कटॉप पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक मूवी या कोई वीडियो या कोई ऑडियो फाइल है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पर दो बार क्लिक करूंगा तो क्या होगा, किसी फाइल का आइकन है तो उस पर मैं दो बार क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं उस पर दो बार क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगी। तो सेम माउस था, उस सेम माउस से मैंने यहाँ पे जब दो बार क्लिक किया तो ये डॉट आ गया, लेकिन अब अगर यहाँ पे स्क्रीन पे कोई एक फाइल का आइकन था तो उस पे अगर मैंने दो बार क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। इसका मतलब है कि एक ही हार्डवेयर डिवाइस से दो काम हुए यहाँ पे। सेम मॉनिटर था, सेम माउस था, लेकिन उससे मैंने दो काम किए। इसको हम कहेंगे प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल अब ये कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पे आप वीडियो भी देखते हो, इस पे आप इसी पे गेम भी आता है, इसी पे आपका मतलब कोई डॉक्यूमेंट वो भी इसी पे आता है। तो आप सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हो, उसी का मतलब है प्रोग्राम। तो प्रोग्रामेबल मीन्स दैट यू कैन प्रोग्राम ए कंप्यूटर, यू कैन मेक कंप्यूटर डू थिंग्स जो आप चाहते हो। और वो कैसे करते हो आप नहीं कर पाओगे, स्पेसिफिकली हर कोई यूजर नहीं कर पाता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, एक इंसान ही होता है ना, तो इंसान उसको अपने हिसाब से कोई भी काम करवा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंप्यूटर है, अभी इसमें कितनी एप्लीकेशन होंगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5-6 सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जब बनाया गया था तो उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर थे, चलो उस हिसाब से इसको बनाया गया, लेकिन कल को मार्केट में कोई एक नया सॉफ्टवेयर आ गया जो कोई नया काम कर सकता है, जो कोई नया काम कर सकता है, मैं सिंपली इसको इस पे इंस्टॉल कर दूंगा और उसी काम स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थिंग्स जो है, यहाँ पे चीजें जो है वो हार्ड वायर्ड नहीं होती। हार्ड वायर्ड का मतलब है कि जब मैंने कंप्यूटर को बनाया तो बस उस टाइम पे जो चीजें ये कर सकता है हमेशा ये वो ही कर सकता है, नहीं, इसको मैं अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता हूँ, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद। तो आई होप ये समझ आए कि प्रोग्रामेबल या प्रोग्राम्ड का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन
या इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मशीन जिसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से हम अलग अलग वर्क्स के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज योर कंप्यूटर। अब यहाँ पे और एक है कि दैट इट कैन कैरी आउट सीक्वेंसेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर पे कोई काम करते हो आप, एक तो होता है कि मैं इंस्ट्रक्शन इसको दूंगा थ्रू इनपुट डिवाइसेस। मतलब अगर मुझे कोई फाइल क्लोज करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं माउस से, माउस ऐसे लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है ऊपर, क्लोज का आइकन होता है ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा कर्सर को और माउस से मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो क्लोज हो जाएगी वो वाली फाइल। तो वो तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, उसको हम कहेंगे मैनुअल इंस्ट्रक्शन। या मैं यहाँ से मैनुअल इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल को डिलीट करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करूंगा उस फाइल के ऊपर और डिलीट कर दूंगा, वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन देयर आर ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन। वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है? वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन आपके सॉफ्टवेयर, हैं। वो कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई एक सॉफ्टवेयर ले लो आप, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर लो कैलकुलेटर की एग्जाम्पल। कैलकुलेटर में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं ना आइकन्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं बटन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देन देयर इज 3 इस तरह से लिखा होता है, फिर 5 लिखा होता है, 4, 5, 6 इस तरह से बटन्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करेंगे 5 पे, फिर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और फिर मैं 3 पे क्लिक करूंगा। तो मैंने 5 + 3 किया, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से जो ये कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि 5 अगर उसने प्लस दबाया बीच में तो इन दोनों को प्लस करना है। अगर नहीं आया समझ तो लीव इट। बस इतना याद रखो कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दो तरीकों से दे सकते हैं। एक होता है मैनुअल इंस्ट्रक्शन जो हम इनपुट डिवाइसेस से दे सकते हैं, जो मैं कीबोर्ड या जो मैं माउस से दे सकता हूँ, और दूसरा तरीका होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का, वो है सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब सॉफ्टवेयर बनाना, जो सॉफ्टवेयर होता है अंदर से वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल इस वाले आइकन पे क्लिक किया तो ये हो जाना चाहिए, अगर इसने फॉर एग्जांपल वो वाला बटन दबाया तो ये हो जाना चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर। तो याद रखोगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के दो तरीके होते हैं, मैनुअल जो आप माउस वाउस से देते हो, और जो दूसरा होता है दैट्स ऑटोमेटिक, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस। बाकी अगर नहीं आया कुछ समझ, बस इतना याद रखो कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से टू कैरी आउट या टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस जो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर समझ नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, बस अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा आगे आने वाली चीजों को समझने में। बाकी इसके ऊपर उतना क्वेश्चन या बाकी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। बस मे बी टुमारो इफ दे आस्क डेफिनेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अगर आपको ये समझ आया होगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर को और एक तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कहीं पे आप देखोगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट टेक्स इन, पहले लिखा होता है टेक्स इन, देन स्टोर्स, या इसके ऐसे भी लिखा होता है कि इट टेक्स इन प्रोसेसेस स्टोर्स एंड आउटपुट्स द डेटा। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, उस इनपुट डेटा को वो मैनिपुलेट करती है, जिसको हम कहते हैं उसको चेंज करती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, फिर उस हिसाब से वो आउटपुट देती है और कुछ डेटा को वो स्टोर करती है। ये भी कहीं पर आप देखोगे। इसको हम ऐसे डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि कोई भी काम जो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो उसके पीछे, उसके नीचे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है। अब कोई भी देखो, जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो ना, जो भी काम आपने किया है, आप जरूरी कोई ना कोई इनपुट दोगे यहाँ से। इनपुट का मतलब जरूरी नहीं कि आप कुछ टाइप करोगे, आप माउस के या ट्रैक पैड के ऊपर कुछ क्लिक्स दोगे, वो इनपुट हो गया। वो इनपुट जो है वो जाता है सीपीयू के पास। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो एक सिग्नल जाता है कहां से, माउस से, वो जाता है सीपीयू के पास। तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, सीपीयू देखता है अच्छा ये माउस क्लिक कहां से आया, ये सिग्नल जो है ये कहां से आया, तो उसको पता चलता है हाँ माउस से राइट क्लिक आया, तो वो उसको प्रोसेस करता है। फिर वो देखता है अच्छा ठीक है माउस से राइट क्लिक आया, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये क्लिक आया था ये माउस का कर्सर कहां पे था, अगर ये फॉर एग्जांपल यहां पे ऊपर क्रॉस पे था तो वो सीपीयू क्या करेगा,
अगर क्रॉस के ऊपर माउस क्लिक आया तो वो इस फाइल को क्लोज कर देगा, अगर कहीं और पे था तो वहां पे कुछ और हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आउटपुट होगा। आउटपुट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये फाइल का आइकन था और यहाँ पे क्या था कि माउस का जो कर्सर था वो यहाँ पे था, मैंने जैसे ही क्लिक किया मतलब मैंने इनपुट दिया, वो सीपीयू के पास गया, सीपीयू क्या करेगा वो देखेगा हाँ इस फाइल के ऊपर क्लिक हुआ है तो वो इस फाइल को ओपन करेगा। ओपन मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फाइल आ जाएगी, मतलब ये वीडियो ओपन होगी, ये ऑडियो फाइल ओपन होगी या ये जो भी होगा डॉक्यूमेंट होगा ये आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा को जो प्रोसेस डेटा होगा उसको हम स्टोर भी कहीं पे कर सकते हैं, कहाँ पे वो हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट पूरा लिख दिया, अब आप चाहते हो कि जैसे मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा के लिए सेव रहे, उसके लिए आई विल इसको मैं सेव करूंगा, आई विल यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, वो हम आगे देखेंगे, सेव सेव करूंगा इस डॉक्यूमेंट को तो ये स्टोर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो उसके नीचे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, हर एक काम में ये चीजें होती हैं। क्या होता है, इनपुट लिया जाएगा यूजर से, उस इनपुट को सीपीयू प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है और इन सम केसेस उस आउटपुट को फिर सेव भी किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। एग्जाम्पल और एक मैं दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वर्ड फाइल ओपन है, ठीक है, आपके सामने एक वर्ड फाइल ओपन है, वर्ड समझ रहे हो आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, आप लिख रहे हो कुछ, तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ए प्रेस करता हूं, तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया मतलब मैंने इनपुट दिया, जैसे ही मैंने ये ए इनपुट दिया तो वो ए जाएगा, ए क्या जाएगा, कंप्यूटर को ए वे कुछ समझ नहीं आता उसको, बस कंप्यूटर को क्या होगा जैसे ही मैं ए प्रेस करता हूं तो कीबोर्ड से एक सिग्नल जाएगी सीधे किसके पास, सीपीयू के पास। अच्छा, तो सीपीयू को जब ये सिग्नल मिलेगी तो सीपीयू को पता होता है कि ए से जब सिग्नल आती है वो कैसी होती है, एस से जब सिग्नल आती है वो कैसी होती है, तो उसको हर एक की के लिए, हर एक क्लिक के लिए उसको अलग एक कोड होता है, अलग एक सिग्नल होती है। तो जैसे ही ए से एक सिग्नल आती है वो आती है सीपीयू के पास, सीपीयू क्या करेगा वो देखेगा, हाँ उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस मतलब वो उसको देखेगा कि अच्छा ये सिग्नल किस तरह की है, ये ए से मिलती है, चलो यहाँ पे इसका मतलब है कि यूजर ने ए प्रेस किया है, तो मतलब आपने इनपुट दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो ए जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब वो आउटपुट है। अगर आपने सुना होगा जो आपका मॉनिटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो जो ए आपने प्रेस किया वो इनपुट था, वो गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने उस सिग्नल को प्रोसेस किया, उसने देखा हाँ ये ए है, तो उस हिसाब से उसने किसको सिग्नल भेजा, उसने भेजा सिग्नल आपके जो आपका मॉनिटर होगा उसको सिग्नल भेजा और मॉनिटर पे आपका ए आ गया, तो वो हो गया आपका आउटपुट। फिर आप पूरा डॉक्यूमेंट जब आप लिख लोगे, जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन वॉट यू विल डू इज आप क्या करोगे, आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे। तब तक अगर आपने सेव नहीं किया होगा तब तक वो आपकी रैम में होगा, किसमें होगा, रैम में, मतलब वो स्टोर नहीं हुआ होगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए आप याद रखोगे कि जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो आपकी हार्ड डिस्क में या सेकेंड स्टोरेज में सेव नहीं रहता है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि कंप्यूटर में जो भी काम किया जाता है उसमें चार चीजें होती हैं, एक इनपुट लिया जाता है उसको सीपीयू प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट दिया जाता है और इन सम केसेस फिर उसको स्टोर किया जाता है, उसको सेव रखा जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज योर मॉनिटर, ये मॉनिटर है, यहाँ ये नीचे कीबोर्ड है, ये यहाँ पे ये जो है इसको हम कैबिनेट, ये एक कैबिनेट है, इसको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम यूनिट। इसके अंदर सीपीयू भी होता है, इसके अंदर आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है मतलब इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर डेटा रहता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं लेकिन सीपीयू भी इसी के अंदर होता है। सीपीयू इसके अंदर एक छोटी चिप होती है, आज तक में भी आपको पता होगा कि इसको सीपीयू कहते हैं, लेकिन सीपीयू इसके अंदर एक चिप होती है, ये बड़ा सा कैबिनेट होता है, इसके इसमें सीपीयू के अलावा बहुत सारी चीज होती है। तो ये आपके स्पीकर्स हैं और ये आपका यहाँ पे माउस है, माउस इसके पीछे आ रहा है, माउस यहाँ पे आपका है, ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा है। नाउ जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि आप क्या करोगे, आपने माउस क्लिक किया, जैसे आपने माउस क्लिक किया तो इस माउस से एक सिग्नल जाएगी सीपीयू को, तो सीपीयू जो है वो, ठीक है, तो ये जो यहाँ से गया उसको हम इनपुट कहेंगे, यहाँ से आपने इनपुट दिया वो गया सीपीयू के पास, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, मतलब वो चेक करेगा कि ये कैसी सिग्नल है।
उससे कीबोर्ड से भी सिग्नल आती है, उससे उसके पास माउस से भी सिग्नल आती है, लेकिन उसको अलग अलग सिग्नल पहुंचती है। उसको पता है कि माउस की सिग्नल कैसी होती है और कीबोर्ड की सिग्नल कैसी होती है, हर की का अलग अलग सिग्नल होता है, ठीक है। तो उसको उस प्रोसेस करेगा तो सीपीयू को समझ आएगा कि हाँ ये कहाँ से आया है, ये माउस से आएगा आया है, और एग्जैक्टली उसको पता होगा कि ये माउस से राइट क्लिक आया है। तो जब उसको वो प्रोसेस करेगा, इसका मतलब होगा कि सीपीयू को समझ आएगा कि यहाँ से राइट क्लिक आया है, तो राइट क्लिक आया है। साथ में देखेगा कि सीपीयू ये भी चेक करेगा कि राइट क्लिक हुआ है लेकिन कहाँ पे राइट क्लिक हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट के आइकन पे राइट क्लिक हुआ है, सीपीयू को समझ आएगा कि इसका मतलब है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, सीपीयू क्या करेगा, वो इसको सिग्नल भेजेगा, मॉनिटर को सिग्नल भेजेगा, और मॉनिटर के ऊपर आपके सामने वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर जैसे उसको हम कहेंगे आउटपुट, और जैसे ही आपका जो आउटपुट है वो, जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा लिख लोगे या व्हाटएवर उसके साथ जो करना होगा, फिर आप उसको सेव कर सकते हो। वो सेव फिर किसमें होगा, फिर से हार्ड ड्राइव में सेव होगा। तो ये आप बेसिक प्रिंसिपल याद रखोगे कि कोई भी काम जब हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, पहले इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट को सीपीयू प्रोसेस करता है, सीपीयू को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपके आउटपुट डिवाइसेस पे आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आउटपुट सिर्फ यहाँ पे आएगा मॉनिटर पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक ऑडियो फाइल थी, तो ऑडियो फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके आपका जो आउटपुट है वो यहाँ नहीं आएगा। ऑडियो फाइल का आउटपुट कहाँ आता है, वो आपका आएगा आपके स्पीकर्स के थ्रू। आई होप आप समझ रहे हो। तो जिस हिसाब से जो डेटा होगा उस हिसाब से उस इनपुट या आउटपुट डिवाइस की आपको जरूरत पड़ेगी। यस, स्पीकर में आउटपुट आएगा अगर ऑडियो फाइल होगी, ठीक है। तो ये बेसिक आप चीज याद रखोगे। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर की दो डेफिनेशंस पढ़ी। पहले हमने देखा कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस या टू एग्जीक्यूट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। वो हम आगे देखेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल क्या है, बस अभी के लिए उतना है। एंड सेकंड डेफिनेशन हमने देखी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इन इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट और प्रोसेस का सेम मतलब होता है। मैनिपुलेट और प्रोसेस का सेम मतलब होता है। मैनिपुलेट या प्रोसेस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इनपुट, उसको समझना, एंड उसको समझने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वो प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद आउटपुट आता है, एंड इन सम केसेस उस आउटपुट को या कुछ डेटा को हमें परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। तो इसके अलावा आप कहीं पर देखोगे, देयर आर यू नो सम बुक्स, यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस या कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर। इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डेटा, जिसको हम इनपुट कहते हैं, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस इट। ये अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन भी लगभग वैसी ही है, बस वर्ड्स का इधर उधर है, वर्ड्स को बस डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया गया है, बाकी सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे वही बताया गया है कि कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस होती है जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, किस हिसाब से, जिस हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, और वो इंस्ट्रक्शंस उसको कोई सॉफ्टवेयर देता है। अगर सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन देगा, या हार्डवेयर, जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन होगी और हार्डवेयर जो है वो आपकी मैनुअल इंस्ट्रक्शन होगी। तो आप उसको हार्डवेयर के हिसाब से, हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो ऑपरेशंस करेगा, एंड इन ऑपरेशंस को परफॉर्म जब वो करता है तो उनमें एक बेसिक रूल, एक बेसिक प्रोसेस फॉलो होता है। वो प्रोसेस होता है कि पहले इनपुट लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और उस हिसाब से फिर आउटपुट रिजल्ट्स आपके सामने आउटपुट किए जाते हैं, एंड इन सम केसेस उसको स्टोर करने की भी जरूरत पड़ती है। आई होप मैं आपको समझा पाया कि ये सारी डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की। सेम यहाँ पे वही है जो मैं आपको बता रहा था, इनपुट हम देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, हम इन सम केसेस हम आउटपुट वहां से हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट तो मिलेगा ही, एंड इन सम केसेस हम उसको स्टोर भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अभी वो समझ नहीं आएगी मैं आपको बाद में भी वो बताऊंगा, बट आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ समझनी है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती है। मेमोरी मतलब डेटा को स्टोर करने की एक जगह, ए प्लेस टू स्टोर डेटा, उसको हम कहेंगे मेमोरी। कंप्यूटर में दो तरह की होती है, एक को हम मेमोरी कहते हैं और दूसरे को हम स्टोरेज कहते हैं। दोनों में डेटा स्टोर है,
लेकिन एक को मेमोरी कहते हैं, दूसरे को स्टोरेज कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, उसको हम रैम भी कहते हैं, और दूसरी जो स्टोरेज होती है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी या रैम कहेंगे, और मैं ऐसे रफली आपको बता रहा हूँ, और दूसरी एक होती है जिसको हम स्टोरेज कहेंगे, जो जिसको हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं या जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी यहां से कोई इनपुट जाता है तो वो डायरेक्टली सीपीयू के पास नहीं जाता, वो जाता है आपकी मेमोरी। किसमें? मेमोरी में, मतलब आपकी रैम में। समझ रहे हो आप? इनपुट जब भी यहां से जाता है वो डायरेक्टली कहां नहीं जाता, सीपीयू के पास नहीं जाता, बल्कि वो जाता है मेमोरी में, वो जाता है रैम के अंदर। किसके अंदर? रैम के अंदर। और फिर क्या होता है कि जब मैंने यहां पे आपको बताया कि जब आउटपुट आता है आपके समय, फिर उसके बाद स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। स्टोरेज का मतलब होता है परमानेंटली कहीं पे स्टोर करना, वो आपका होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। और वो सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी एचडीडी आती है, हार्ड डिस्क आती है। तो यहां याद रखोगे कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है जो कि टेम्पोररीली स्टोर करती है डेटा। यहां से जो इनपुट का सिग्नल आया वो टेम्पोररीली स्टोर रहेगा मेन मेमोरी में, रैम में। फिर उसको सीपीयू लेके जाएगा, वहां से सीपीयू वहां से उठाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उस हिसाब से आउटपुट जाएगा। और जब हमें कहीं पे कोई डेटा जो है परमानेंटली स्टोर करना होता है, वो यहाँ मेन मेमोरी या रैम में नहीं रहेगा, वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क भी, जिसमें एसएसडी भी आती है, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, तो यहाँ ये एक चीज याद रखोगे कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक को हम स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज जो है वो स्पेसिफिकली आप याद रखोगे वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए है, जहां पे परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है। तो याद रखोगे कि जब भी इस प्रोसेस के दौरान जब इनपुट आता है, वो पहले मेन मेमोरी में जाता है, जहां पे टेम्पररीली डेटा स्टोर रहता है, और फिर वहां से उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। फिर जब अगर जरूरत पड़ी हमें परमानेंट स्टोरेज की, परमानेंटली डेटा को सेव करने की, वो कहाँ पे होगा? वो सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर जो आपकी एचडीडी, जिसको हम जिसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी, या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप मैं ये चीजें एक्सप्लेन करा पा रहा हूँ। तो इसकी एग्जाम्पल है, अगर इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिकल वे में समझना होगा, आपने कभी किया है कि कंप्यूटर के ऊपर आप टाइप कर रहे हो, यू आर टाइपिंग सम डॉक्यूमेंट, एंड अचानक से आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। पहले होता था, अब तो मतलब आपकी लैपटॉप में यू हैव अ बैटरी, तो पहले होता था कि कॉलेज में मेबी यू नो कोई आप चीज टाइप कर रहे हो, और या जब आपके पास डेस्कटॉप होता था जिसमें आपका यूपीएस नहीं होता था, जो डायरेक्टली किस से इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, तो अचानक से लाइट चली गई और कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो जो भी आपने लिखा था वो सारा डिलीट हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल जब मैंने बताया कि जब भी आप कोई चीज टाइप कर रहे होते हो तो वो इनपुट आता है और वो रहता है रैम में, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है। वो आपके सामने आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन अभी भी जितना आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया वो सारा का सारा अभी सिर्फ रैम में है, वो अभी रैम में है, मेन मेमोरी में। जब तक आप कंट्रोल एस नहीं दबाओगे, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे, तब तक वो रैम में है। मतलब तब तक अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो उड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाते हो, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है सेव करने की, परमानेंटली सेव करने की, तो जैसे ही आप सेव करोगे वो अब मेन मेमोरी में सिर्फ नहीं रहेगा, बल्कि अब वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो अब हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा, जहां पे वो अब परमानेंटली रहेगा, जहां पे अब लाइट भी अगर चली जाएगी तो कोई टेंशन। तो आई होप आप समझ आए आपको कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, एंड आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दीज थ्री डेफिनेशन। तो आप अगर आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे कंप्यूटर की, आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या है। नाउ सेम जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था, तो अभी तक आपको चीजें समझ आई? राइट डाउन द चैट, येस लिखें अगर आपको अभी तक सारा समझ।